ओजो, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ओजोन क्या है, किन किन तत्वों से बनता है और इसका क्या महत्व है? तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि ओजोन क्या है। ओजोन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है बैड स्मेल। ओजोन गैस को अपनी इंटेंस स्मेल के कारण ही ये नाम दिया गया है। ओजोन गैस की लेयर यानी कि परत हमारे वातावरण के बाहरी क्षेत्र में हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। यानी कि अगर हम आम तरीके से कहें तो ओजोन लेयर किसी छत की तरह इस पृथ्वी को चारों ओर से फैली हुई है। आइए जानते हैं कि ओजोन कैसे बनती है और ओजोन के होने या ना होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में 21% ऑक्सीजन है और सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है। तब ये ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आते ही जैसे कि ऑक्सीजन के अणु बिखर जाते हैं, यानी कि O2 से O के दो भाग बन जाते हैं और ये O के अणु किसी दूसरे O2 के संपर्क में आते हैं और ओजोन यानी कि O3 बनाते हैं। अब सवाल ये आता है कि जहरीली होने के बावजूद ओजोन हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। इसका उत्तर ये है कि ओजोन गैस की परत पर रहने वाले सभी जीव धाराओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये परत ही हमें सूर्य की यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जिससे हमें स्किन कैंसर जैसी खतरनाक और घातक बीमारियां हो सकती हैं। और ओजोन की यही परत हमारे वायुमंडल से इतनी ऊंचाइयों में स्थित है कि इसके जहरीले होने के बावजूद भी हमें इससे कोई खतरा नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। पृथ्वी के वायुमंडल को 6 लेयर में बांटा गया है, जिसमें सबसे निचली लेयर ट्रोपोस्फेयर और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के क्षेत्र पृथ्वी में ऊपर की ओर 10 से 50 किलोमीटर तक माना जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर के समतल मंडल भी कहते हैं। ओजोन लेयर या ओजोन ढाल पृथ्वी के समतप मंडल की एक थिन लेयर है, जो यूवी रेज की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करता है। ओजोन लेयर की खोज 1913 में फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूशन ने की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में ओजोन लेयर का क्या महत्व है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवित रहना असंभव है। चलिए अब इस ओजोन परत के निर्माण के बारे में बात करते हैं। संतप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप ओजोन लेयर के निर्माण भी होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जितना ऊपर रहेगा उतना ही अच्छा है और जितना जमीन के पास रहेगा उतना ही धरती पर स्थित जीवन के लिए हानिकारक है, जिसमें कोल जीवन के लगभग 90% वातावरण संतप मंडल में है और बाकी के भाग ट्रोपोस्फेयर में, जो कि हानिकारक नहीं है। वायुमंडल में उपस्थित O2 मॉलिक्यूल पहले चरण में यूवी रेज से टूटकर दो ओ एटम बनाते हैं। ये वे रिएक्टिव ओ एटम बाद में O2 मॉलिक्यूल से जुड़कर ओजोन यानी कि O3 बनाते हैं। विकिरण में एक ऑक्सीजन अणु O2 से अलग हो जाता है। यूवी रेडिएशन से दो चरणों में संपन्न होने वाली इस रासायनिक क्रिया के लिए समतप मंडल में पर्याप्त इंतजाम होता है। नतीजन सबसे बड़ा ओजोन उत्पादन होता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मतलब कि सौर मंडल में पाई जाने वाली ओजोन। ट्रोपोस्फेयर का क्षेत्र पृथ्वी की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर तक जाना जाता है। ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें कूल ओजोन का केवल 10% इसमें बनता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को अनहेल्दी ओजोन की श्रेणी में भी रखा जाता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाली गैसेस आदि मिलाकर ट्रांसफोरिक ओजोन का निर्माण करती है। प्राइमरी पॉल्यूशन मिलकर ट्रोपोस्फेयर में पाई जाने वाली इस सेकेंड पॉल्यूटेंट गैस का निर्माण करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जो गैस हमारे जीवन के लिए सहायक है, वही गैस ट्रोपोस्फेयर में निर्मित होने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाती है। ट्रोपोस्फेयर पर ऑक्सीजन के निर्माण भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और एक्टिव ऑक्सीजन एटम के द्वारा ही होता है, लेकिन कि इस रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाला एक्टिव ऑक्सीजन एटम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑक्सीजन कंपाउंड्स की सोलर रेडिएशन से प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप मिलता है। अगर ऑक्सीजन परत यानी कि लेयर नहीं होगी तो क्या होगा? यहाँ प्रत्याशित सनस्क्रीन, जिसे ओजोन परत के रूप में जाना जाता है,
सूर्य के यूवी किरण के 98% हिस्से के अवशोषण और अवरोधन करती है। इस लेयर के बिना यूवी रेज पूर्ण रूप से धरती पर पहुंचने में सक्षम होंगी और पौधों और जन जीवनों को डीएनए को नुकसान पहुंचाएगी। यूवी रेस में सेल वाले जीव धाराओं के लिए समर्पित करने में भी सक्षम है। इसके संपर्क में आने से इंसानों में स्किन कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओजोन परत के गायब होने से कुछ ही दिनों में अनेक पौधे मर जाएंगे। पौधों के बिना खाद्य श्रृंखला गिर जाएगी, क्योंकि खाद्य श्रृंखला की नींव पौधे ही होते हैं। शाखाएं जीव जंतुओं के लिए भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार खड़े श्रृंखला की कड़ियां टूटने से सबसे जीवधारी व्यापक विलुप्ति के हिस्सा बन जाएंगे। ओजोन लेयर की लगातार बनने के बावजूद भी ये लेयर स्थिर नहीं है। आधुनिक मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मशीन्स जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी के अत्यधिक उपयोग के कारण इसका खतरा बना हुआ है। एसी, रेफ्रिजरेटर, एरोस्कोल स्प्रे और फायर एक्सटिंग्विशर्स आदि से निकलने वाली सीएफसी गैसेस से रासायनिक क्रिया होने से ये लेयर लगातार डिप्लीट होते जा रहा है। इन गैसेस की ओजोन लेयर से होने वाली चेन रिएक्शन हमेशा एक आने वाले खतरे की ओर एक कदम है। सीएफसी और यूवी रेज द्वारा टूट जाते हैं और परिणाम स्वरूप मुक्त क्लोरीन परमाणुओं को आकर्षित करते हैं। मनुष्य की कृतियों का ओजोन परत पर एक परिणाम हो रहा है। हाउ ह्यूमन एक्टिविटी इज हार्मिंग द ओजोन लेयर। मानव गतिविधियां जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त विभिन्न कंपाउंड्स के उत्सर्जन से ओजोन डिप्लेक्शन एक प्रमुख कारण हो सकते हैं। शायद सबसे विनाशकारी अणु सीएफसी है। जैसे कि हम जानते हैं सीएफसी चेन आमतौर पर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल किया जाता है। जब उत्पादन से सीएफसी वायुमंडल में रिलीज होता है तो विनाश शुरू होता है। सीएफसी अणु ओजोन समृद्धि समतप मंडल की ओर तैरता है। सीएफसी और यूवी रेडिएशन के साथ संपर्क करते हैं, जिसे क्लोरीन एटम ओजोन अणु के साथ क्लोरीन मोनोक्साइड और एक ऑक्सीजन अणु बनान करते हैं। प्रतिक्रिया करता है तब यह अकेला ऑक्सीजन परमाणु एक क्लोरीन मोनोक्साइड अणु के साथ प्रक्रिया करता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु बनता है। यहाँ खतरनाक क्लोरीन परमाणु बाद में भी ये चक्र जारी रखता है और आने वाले समय में ओजोन परत की विनाश में कारण हो सकता है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की छिद्र। May 16, 1985 में अंटार्कटिका के दक्षिण पोल में ओजोन होल के होने की पुष्टि हुई। अपने नाम के विपरीत ओजोन होल कोई होल नहीं है, बल्कि ओजोन लेयर के विश्व हिस्सा होता है जहां पर ओजोन लेयर पतली हो गई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिप्लीट हो गई है। अंटार्कटिका ओजोन होल 2020 साल के मिड अगस्त से और बढ़ने लगा है और इस होल की गहराई 24 मिनट स्क्वायर किलोमीटर हो गई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बीते 40 सालों में यही होल दुनिया का सबसे बड़ा होल माना जा सकता है, जो अभी बंद हो गया है। ये छेद बड़ा होने की वजह है कि स्ट्रेटोस्फीयर में सख्त स्थिर और ठंडा पोलार वॉर्टेक्स है। ओजोन का छेद होने की वजह और कैसे ये छेद आया। अंटार्कटिका में लेट विंटर्स अब अर्ली स्प्रिंग्स होने वाले सीवियर ओजोन डिप्लेक्शन को ही ओजोन होल कहा जाता है। कोई आबादी नहीं होने के कारण या यानी कि कोई हानिकारक गैसेस का उत्सर्जन ना होने के कारण के बावजूद यहाँ पर ओजोन होल होना एक अजीब बात लगती है। लेकिन यहाँ पे ओजोन होल होने का कारण यहाँ की विशेष एटमॉस्फेरिक और केमिकल कंडीशंस हैं, जो रिएक्टिव हैलोजन गैसेस को ओजोन लेयर डिप्लेक्ट करने में अति सहायक होती है। यहाँ पर लो टेम्परेचर की वजह से पोलार स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड्स का निर्माण होता है। पोलार स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड्स वो क्लाउड्स होते हैं जो 15,000 से 25,000 तक की ऊंचाई पर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। ये क्लाउड्स दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनमें केवल आइस क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और दूसरे वो जिनमें बहुत ठंडी वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ नाइट्रिक एसिड भी पाए जाते हैं। दूसरे टाइप के पोलार स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड्स की स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन की डिफ्लेक्शन के लिए जरूर एक्टिव क्लोरीन एटम प्रोवाइड करता है। स्ट्रेटोस्फीयर मेनली ड्राई एरिया होता है जहाँ क्लाउड्स बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पोलार विंटर्स के दौरान ये क्षेत्र इस घटना के लिए अनुकूल हो जाता है। आर्कटिक में पड़ने वाली ठंड इन क्लाउड्स के बनने के लिए अनुकूल नहीं होती है, इसलिए ओजोन डिप्लेक्शन के लेवल यहाँ पे बहुत कम होते हैं।
इसलिए यहाँ होने वाले ओजोन डिप्लेक्शन का ओजोन होल ने कहकर ओजोन डेंट का नाम दिया गया है। हाल ही में इस अंटार्कटिका के क्लाइमेट में बदलाव होने के कारण ओजोन होल के काफी हद तक श्रिंक होने की न्यूज सामने आई है। ओजोन होल के बनने का एटमॉस्फेरिक कारण जो भी हो, लेकिन ओजोन होल का होना धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए एक खतरा है, जिसे रोकने के लिए हमें अपने अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। सीएफसी गैस के कम उत्सर्जन ही उन्हें स्ट्रेटोस्फीयर तक जाने से रोक सकते हैं। ओजोन का भरने के लिए कुछ प्रयास। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में शुरू किया गया था, जिसका एक ही उद्देश्य था कि जो ओजोन को नष्ट करने वाले खतरनाक गैसेस के उत्सर्जन में कमी करना। यूरोपियन कंट्रीज के इंडस्ट्रियल प्रदर्शन में कमी करना बहुत जरूरी था। वैज्ञानिकों का यही अंदाजा लगाया गया कि 80% क्लोरीन और ब्रोमीन अंटार्कटिका के उलट वाले स्ट्रेटोस्फीयर में मनुष्य की वजह से आया है। WHO के ग्लोबल एटमॉस्फेयर प्रोग्राम ने कॉस्पिरसियस एटमॉस्फेयरिक सर्विस, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एक्वेरोटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज कनाडा और कई संगठनों ने मिलकर इस ओजोन होल के भरने का फैसला लिया है, और हमें आशा है कि वो जरूर सफल होंगे। पर इतना ही काफी नहीं है, हम सभी को मिलकर एक साथ प्रयास करना होगा, इस मिशन के लिए सफल बनाना होगा। हाउ टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लेक्शन। ओजोन डिप्लेक्शन को प्रिवेंट करने से पहले हमें समझना होगा कि ओजोन डिप्लेक्शन क्या है। ओजोन डिप्लेक्शन यानी कि ओजोन का रिक्तिकरण, रिक्तिकरण यानी कि किसी भी वस्तु का कम होना, यानी ओजोन रिक्तिकरण का अर्थ है ओजोन में कमी आना। ओजोन का रिक्तिकरण कैसे होता है? वक्त के साथ नए नए आविष्कारों ने हमें सुविधा के साथ साथ कुछ हानिकारक रसायन भी दिए हैं, जो कि लगातार हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। रसायन जैसे कि CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ओजोन लेयर में डिप्लेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे ही हमारे ओजोन से टकराती है, इसमें पाए जाने वाले क्लोरीन एटम ओजोन के साथ साथ प्रक्रिया करके इसे 3 ऑक्सीजन एटम में से एक एटम के साथ कंबाइन हो जाता है और ओजोन को फिर से ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल में बदल देता है, और ओजोन की मात्रा में कमी आने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लेक्शन हो जाता है। क्लोरीन एटम की खास बात यह है कि इसे अपनी नेचुरल स्टेज में एंड में काफ़ी समय लगता है, जिसे ये अधिक समय तक ओजोन लेयर के डिप्लेक्ट करने में सक्षम होती है। अत्यधिक CFC गैसेस के उत्सर्जन से अंटार्कटिका में वातावरण में गर्म हवा ज्यादा मात्रा में बहने लगी है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है। ओजोन रिक्तिकरण को रोकने के लिए एक ही उपाय है कि हम उन वस्तुओं का कम उपयोग करें जो ओजोन रिक्तिकरण के लिए कारण है, या फिर अगर बहुत जरूरी ना हो तो उपयोग ही ना करें। 1987 में दुनिया भर की गवर्नमेंट ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका काम प्रत्येक देश पर नजर बनाए रखना है, ये जानने के लिए उस देश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन सीमित हो, जैसे कि हमें भविष्य में ओजोन रिक्तिकरण जैसे समस्याओं का सामना ना करना पड़े और ओजोन लेयर की हमेशा संतुलन में बनी रहे, कर धरती पर जीवन का बनाए रखना में सहायक हो।